एडमिशन ओपन इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल नर्सरी से टेंथ तक वैन की सहूलत के साथ आपके बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का साथी इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल महबूब नगर नियर अजहर ग्राउंड इंदिरा नगर JM रोड बीजापुर। तीन तारीख शनिवार दिन 4 बजे शिवाजी सर्कल से सिद्धेश्वर गुड़ी तक बेंगलूर से 3 तारीख को MB पाटिल साहब आ रहे हैं। 4 बजे शिवाजी सर्कल से हमें बहुत बड़ी रैली कर को सिद्धेश्वर गुड़ी तक रैली होती। तमाम बीजापुर जिले के बीजापुर वाले बीजापुर तालुक वाले सब भी मिला को 4 बजे आना। MB पाटिल साहब मिनिस्टर हो को पहली बार आ रहे हैं, उनके स्वागत के अवसर और ये रैली को पूरा खूबसूरत बनाने का है। सब भी मिला का हो सबको विनंती करते हो सब भी मिला को 4 बजे शिवाजी सर्कल को 3 तारीख के दिन आओ। जिले से 2 मिनिस्टर हैं, दोनों मिनिस्टर को भी हमें एहसास करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर हैं, दोनों भी हमारे पार्टी के हैं, हमारे पार्टी के मिनिस्टर हैं। हमें दोनों को भी वैसा स्वागत करते हैं। दोनों की रैली एक साथ निकलेगी या अलग अलग? अलग अलग निकलेंगी। इन्होंने पहला MB पाटिल साहब आ रहे हैं, उन्होंने कब बोलते हैं शिवानंद पाटिल साहब, उनको भी हमें रैली स्वागत कर को उनको भी बहुत अच्छी बड़ी रैली करते हैं उनकी भी। बीजापुर शहर में जो आने वाले 3 तारीख को दिन MB पाटिल साहब जो दूसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो पहली मर्तबा बीजापुर को मंत्री बनने के बाद आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए शिवाजी सर्कल से सिद्धेश्वर गुड़ी तक एक भव्य मेरवनगी होगी, एक रैली होगी। उसमें सभी जिला के और बीजापुर सिटी के सभी माँ बहनों को, सभी कौम के लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि 4 बजे शिवाजी सर्कल को आएँ और वो रैली की कामयाब बनाएँ। नहीं, कल जो है 3 तारीख के दिन MB पाटिल साहब आ रहे हैं, तो MB पाटिल साहब की रैली बना रहे हैं कि शिवानंद पाटिल साहब जिस वक्त टाइम देंगे तो उनकी भी रैली बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे जिलों को 2 मिनिस्टर मिले हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। दोनों कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, दोनों दिग्गज नेता हैं, तो उनका भी पार्टी के जानिब से स्वागत होगा और उनकी भी रैली होगी। अगर वो कल आ रहे हैं तो कल 2 साल होता था, मगर वो कल नहीं आ रहे, इस वजह से MB पाटिल साहब की रैली हो रही है। वो जब टाइम देंगे उनकी भी रैली बीजापुर से करा जाएगी। इस रैली में कितने लोगों के जुड़ने की संभावना है? इस रैली में बहुत से लोग होंगे, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग जमा होने की संभावना है, और वहाँ पे वो रैली होगी और बड़े खूबसूरत अंदाज से बीजापुर के लोगों ने उनका स्वागत करेंगे। और बीजापुर के सभी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर जो हैं, सब अपने अपने लोगों को लगा के इस कॉरपोरेटर के जानिब से उनका सब बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाएगा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।